राजा कन्नड़ा सोनारा की जय, उसकी बोलो जय माँ भवानी की जय माँ भवानी। खमागणी महाराज मैं इस जीत के लिए माँ भवानी का आभारी हूँ। आज उनकी कृपा से हम सब की जीत हुई, पर हाँ ये जीत खाली नहीं जाएगी, इसकी चर्चा दिल्ली तक होगी। खिलजी के गानों में जब हमारे युवराज का नाम पहुंचेगा तब उसे पता चलेगा कि उसने सोमेश्वर को लूटकर कितनी बड़ी भूल की है। हम आपके भी आभारी हैं युवराज, इतनी दूर से आप हमारी सहायता के लिए आए और हमें वो विजय दिलाई जो हम वर्षों तक याद रखें। आपने सोमेश्वर के इस पवित्र शिवलिंग को इन अफगानियों के चुंगल से मुक्त कराकर अपनी वीरता का अभूतपूर्व परिचय दिया। देखना एक न एक दिन आप जरूर चक्रवर्ती बनेंगे, आपको कोई नहीं रोक पाए। जी नहीं महाराज, मैं एक योद्धा हूँ और जीवन भर योद्धा ही रहूंगा। हम आपसे बहुत प्रसन्न हुए युवराज। अब तो शिवलिंग की पुनर्स्थापना आप ही के हाथों होगी। बादब बामुलाइजा होशियार सल्तनत दिल्ली के शहंशाह आली मर्तबा आली जा जहन चाहे हिंदुस्तान मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी तशरीफ ला रहे हैं। आलीजा, सही नसीब कि आप तशरीफ लाए। आपके वजीर आजम नहीं आए, उन्हें भी तो यहाँ होना चाहिए। आखिर आपकी हिफाजत का मामला है, क्योंकि उनकी नजरों में तो हम दगाबाज हैं, और एक दगाबाज तो कभी भी कहीं भी दगा दे सकता है ना, है ना आलमपना। मलिक काफूर के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं मलिक कफूर अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा है। हमारी हिफाजत के लिए हर एक पर शक करना ही तो उसका काम है। मुझे नीचा दिखाने का काम हम आपकी बांदी हैं हुजूर, कोई गुनहगार तो नहीं। गुनाह तो अब आप कर रही हैं। हम अपना कीमती वक्त आपके साये में गुजारने आए हैं, और आप हैं कि अपना और हमारा वक्त बेकार के सवाल जवाब में जाया कर रही हैं। जब आपको पर्दा नशी होना चाहिए था तब आपने हमें अपनी सूरत दिखाकर हमें पागल बना दिया, और अब जब हम आपके आदी हो चुके हैं तो ये पर्दा नशी। कफूर तो अपना काम कर रहा है। हमारा मशवरा है कि आप हमें खुश करके अपना काम करें। चलिए जाने दीजिए आलीजा, काफूर तो अपना काम कर रहा है, मुझ पर शक करना उसका काम है। पर क्या आपको भी मुझ पर यकीन नहीं? अगर यकीन नहीं होता तो हम इस लम्हा यहाँ नहीं होते। बाखुदा हम खुद चलकर आपसे मिलने आए देव और मनुष्य देव बल परुता मनादि विश्व देवा मधुमनिषे मधुजनिषे मधुवक्षामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यादुषेण्या आमनुषे एभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो नमदन्तु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवा उत उतरिषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्याम् उदये नमः। शिवजी को फूल चढ़ाइए। माल्यादीनि सुगंधीनि मालतनो मया रोदानि पूजार्थे पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। अभी आप शिवजी की आरती करिए। ओम ब्राह्मणस्य मुखमासित बाहुराजन्यकृताः। राज, हम चाहते हैं कि आप ही इस शिवलिंग को अपने कर कमलों से यथास्थान पुनर्स्थापित करें। बहुभाग्य महाराज कि आपने ये परम सौभाग्य हमें सौंपा। ओम त्र्यंबकयज्ञामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्तिं प्रदायात्। ध्याये महाराज के चरणों में प्रणाम। क्या सूचना लाया हो संदेशवाहक? सूचना आपके लिए नहीं महाराज, युवराज के लिए है। एक पत्र है उनके नाम। अभी आज्ञा दीजिए महाराज। भगवान शिव की महिमा का बखान तो हमने बहुत सुना है, पर आज हमने देख भी लिया। आज इसी समय यहाँ से जाना होगा। हम आपको इस तरह इस हालत में ही जाने देंगे महाराज। अगर बात केवल हमारी होती तो हम आपकी आज्ञा को उल्लंघन कभी नहीं करते, परंतु आज हमारा जाना आवश्यक है। चित्तौड़ में खुशियों की बहार एक बार फिर आई है। देवगिरी की शहजादी जिसे हम सिपाहियों की खातिर तवाजु के लिए भेजा गया है, पर यकीन मानो मैंने आज तक किसी राजकुमारी को इतने करीब से नहीं देखा। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ, या बादशाह सलामत ने तुम्हारी जुबान काटकर नजराने के तौर पर अपने पास रख ली है? हाँ? जीवा तालू में खो गई या मुझे देख के निष्क्रिय हो गई है? तुम्हें सिर्फ राजकुमारी की चाह है ना? तो इन तीनों का क्या काम यहाँ? जाओ जाओ यहाँ से। तुम तीनों आज से यहाँ से मुक्त हो। जाओ, मुझे इसकी सेवा के लिए यहाँ नियुक्त किया गया है और मैं ही इसकी सेवा करूंगी। तुम राजकुमारी का उपभोग करना चाहते हो ना? तो आओ, मेरा उपभोग करो। कुचल डालो मेरे बदन को। आज ये राजकुमारी स्वयं तुम्हें आमंत्रित करती है। आओ अलाउद्दीन खिलजी के और तुर सिपाही, आओ और कुचल डालो इस बदन को। जी हमारा अनुमान ठीक है तो यहीं से चित्तौड़ की सीमा प्रारंभ होती है। हाँ, ये चित्तौड़ की ही सीमा है। तो अब हमें अनुमति दीजिए राणा जी, क्योंकि यहाँ के बाद हमारा कार्य समाप्त होता है। आप दोनों को यहाँ चित्तौड़ तक सही सलामत पहुंचाना था, पहुंचा दिया। अब हमें जाने दीजिए। नहीं मामा जी, अभी तो नगर प्रवेश होना है, अभी आप कैसे जा सकते हैं? पर राणा जी, अभी हमारा यहाँ से जाना बहुत ही आवश्यक है। हमने जीजा महाराज और हमारी बहन चंपावती को दिया हुआ वचन पूरी निष्ठा से और निष्काम भाव से पूरा किया है और इस बात की हमें प्रसन्नता है। और वैसे भी राणा जी, अब आप आपके नगर में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमें आज्ञा दे दीजिए। और चित्तौड़ के आतिथ्य को स्वीकारे बिना ना तो हम आपको यहां से जाने देंगे और ना ही ये चित्तौड़। क्षमा करें राणा जी, आप भी राजपूत हैं और हम भी, और आप ये भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि हम क्षत्रिय अपने मान के घर का पानी तक नहीं पीते। उसके घर को छोड़िए, हमारा वहां सांस लेना भी उचित नहीं जहां से हमारे मान के नगर की सीमा शुरू होती है। आप जा सकते हैं, और जाने से पहले हमारी एक बात का उत्तर देना होगा। आज से बादल यहीं रहेगा और हम बादल को चित्तौड़ का नगर पुत्र घोषित करते हैं। अब बताइए मामा जी, ये मान लिया कि आप अपनी भांजे के यहाँ का पानी भी नहीं पी सकते, पर अपने पुत्र के यहाँ का पानी तो पी सकते हैं ना? उसके यहाँ रुक भी सकते हैं। मामा जी, हमारी बात मान लीजिए, ना मत कहिएगा। आपने हम पर और पद्मिनी पर बहुत सारे उपकार किए हैं। ठीक है, हम सब कुछ देख सकते हैं राणा जी, और हमारी पद्मावती का मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देख सकते। चेतन, राधा, माफी आलिया, मगर हमारे पहलू में चची जान की आग ये कुछ समझ में नहीं आया। आपकी समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि हमारे चचा जान अपने साथ अपने कुछ अहम राज भी अपनी कब्र में ले गए हैं। पर हम यकीनन कह सकते हैं कि हमारी चची जान उन तमाम राज से जरूर वाकिफ होंगी, पर हमारी लाख कोशिश के बावजूद भी हम उन राज तक नहीं पहुंच पाए। तो आप क्या चाहते हैं कि हम उन राज को बेपर्दा करें? मगर आलिजा, हमारी इतनी बददुआओं के बाद तो उन्हें हमारी सूरत से नफरत हो गई होगी। पर हाँ, कोई है जो आपका ये काम बखूबी कर सकता है। हम कुछ समझे नहीं, किसकी बात कर रही हैं आप? अभी अभी आपके दरबार में एक नायाब हीरा शामिल हुआ है, जनाब अमीर खुसरो। वो आपकी चची जान से कुछ भी पूछ सकते हैं, उन्हें कुछ उगलवाने की जरूरत नहीं है। चची जान उन्हें खुद ही सब कुछ तफसील से बता देंगी। सुभान अल्लाह, किसी ने सच ही कहा था कि जिस दिन बिस्तर की तकिया दरबार में पहुंच जाए उस दिन कयामत आ जाती है। और आपने तो कयामत के मायने ही बदल दिए ताइबा। सच कहे, हम अभी तक जनाब अमीर खुसरो साहब के मुतालिक सोच ही नहीं पाए थे कि हम उनका क्या इस्तेमाल करें। अदब अर्ज़ है रसूल। गुस्ताखी माफ आलिजा, लेकिन खबर की नजाकत इतनी थी कि हमें खुद ही आना पड़ा। तो क्या फिर से देवगिरी की राजकुमारी तुम्हारी गिरफ्त से भाग गई? नहीं आलम पड़ा, बात अब खवातिनों के दामन से उठकर दरबार के दाग तक जा पहुंची है। हमारे फौज पर हमला करने की जुर्रत की है। हमारी फौज पर हमला? किसने जुर्रत की है ये सब करने की? राजा सुनारकांडा और चित्तौड़ के राजकुंवर गजेंद्र सिंह ने। मंदिर से लूटा हुआ सारा सामान हमारे आदमियों से लूटकर उन्होंने वापस हासिल किया है और हमारे बहुत सारे सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया है। ये वही है ना जिसने अभी अभी सिंगल द्वीप का स्वयंवर जीता है? नहीं हुजूर, ये तो उसका छोटा भाई है। हमने तो सोचा था राजपुताना के बारे में फुर्सत में सोचेंगे, लेकिन लगता है राजपुताना हमें वक्त से पहले ही आने की दावत दे रहा है। माफी आलिजा, पर मुझे लगता है यह अहम मसला अगर बादशाह और वजीर के दरमियान सुलझाया जाए तो बेहतर होगा। आलिजा, खबर जितनी नाजुक है उतनी ही स्याह भी, इसलिए इस मसले में जल्दबाजी ठीक नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी राजाओं की तरह हमें भी शर्मिंदा ताबीर होना पड़े और राजपुताना हासिल करने के लिए दिल्ली से हाथ धो बैठे। इसलिए राजपुताना पर तलवार उठाने से पहले हमें फरेब नाम के अस्त्र का उपयोग करना होगा, लेकिन आलम पना उसके लिए वक्त की दरकार है। कितना वक्त काफूर, लेकिन हम जो हारे हैं। माफी आलिजा, पर अभी ऐसा क्या हारे हैं हम हारे तो नहीं, लेकिन हम पर जो हार का दाग लग गया है। हार, और उसी दाग को धोना मेरा काम है आलिजा, पर उसके लिए हमें सब्र से काम लेना होगा।